हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब। मैं तुम्हारा मैथ्स का टीचर हूँ और तुम्हारा मैथ्स का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा। आज एक इंटीग्रेशन का मैथ्स कराएंगे, एक स्पेशल फॉर्म का मैथ कराएंगे। यहाँ पे ये दिया हुआ है और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक क्लास 12 की बोर्ड एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ही आती है, इवन JEE में भी ये आती है। देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ये मैथ्स बहुत ही इम्पोर्टेंस है। fx इक्वल टू ये क्वांटिटी को लिखा है। देखो f माइनस x इक्वल टू क्या होता है। यानी कि ये हुआ माइनस fx, यानी कि f माइनस x इक्वल टू माइनस fx। सो ये एक ऑड फंक्शन है। सो डायरेक्टली हम कह सकते हैं इस इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा ज़ीरो। और एक दूसरा वे में भी इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो मैं कैसे करता हूँ। पहले हम लेट इस इंटीग्रेशन वैल्यू i लिख लेंगे। यहाँ पे देखो मैं कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। सो यहाँ पे f a प्लस बी माइनस एक्स dx होता है। यानी कि ये होगा i, यानी कि i प्लस i 2i इक्वल टू ज़ीरो होगा। स्टूडेंट यहाँ पे मैं थोड़ा मिस्टेक किया है, मैं हर इंटीग्रेशन में dx लिखना भूल गया था, इसीलिए सॉरी। हर इंटीग्रेशन में dx होगा, यानी अब देखो i इक्वल टू ज़ीरो हुआ। सो इस मैथ्स को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल।